हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीत सर पुनः एक न्यू टॉपिक के साथ आपके क्लास में उपस्थित हुआ हूं। और आज का टॉपिक है इंटरनेशनल डेडलाइन। आज मैं इसे अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, सभी बच्चे इसे अच्छे तरीके से समझेंगे और अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन करेंगे। चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। क्या है इंटरनेशनल डेडलाइन? सबसे पहले तो समझेंगे, इंटरनेशनल डेडलाइन को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। इससे पूरे वर्ल्ड का समय जो है निर्धारण होता है। अगर देखा जाए तो पूरे संसार के टाइम जोन को 24 जोन में बांटा गया है। और याद रखना है कि भारतीय टाइम जोन जो है फर्स्ट जोन में है, याद रखना है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरनेशनल डेट क्या होता है? द लॉन्गिट्यूड विच रन्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कंसिडर्ड टू बी द इंटरनेशनल डेट लाइन। एक तरीके से देखा जाए तो एक लॉन्गिट्यूड सी होते हैं जो ग्लोब्स पे प्राइम मेरिडियन के ऑपोजिट ड्रॉ किए जाते हैं। और इस तरीके के जो ये, अब ये संसार है और इसमें ये लाइन जो है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है, इसको 180 डिग्री पे गुजारा गया है, 180 डिग्री से। और ज़्यादातर ये समुद्र से ही होकर गुजरी है और इसी से पूरे संसार का जो है टाइम निर्धारण किया जाता है। और इस तरीके से 24 जोन में बटा हुआ है। थोड़ा सा हम लोग इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। 1884 में, 1884 ईस्वी में सबसे पहले पूरे संसार में इंटरनेशनल डेट लाइन निर्धारित किया गया था, जिसके कारण बहुत पहले, इससे पहले क्या होती थी कि बहुत सारी समस्या होती थी टाइम का, दिन का। एक देश से दूसरे देश में जब हम जाते थे तो काफ़ी समस्या होती थी। जैसे सपोज डेट कि आज मेरे यहाँ मंडे है, तो किसी दूसरे देश में जाते थे तो वहाँ पे फ्राइडे होता था। बहुत गैपिंग होता था, मतलब जो कैलेंडर्स थे, डेट्स थे, टाइम थे, वो काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलता था, जिसके कारण उसे कम करने के लिए जो है इंटरनेशनल डेट लाइन जो है निर्धारण किया गया। और इस तरीके से देखा जाए तो इसको हम लोग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं। कुछ नोट्स में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक इमेजनरी लाइन है, और इमेजनरी लाइन होने के साथ साथ जो है 180 डिग्री इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं। और ग्रीनविच के विषय में आप जानते हैं, हमने एक ट्रिक भी इसके लिए रिगार्डिंग बताया है। और वो ट्रिक क्या है, बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखेंगे, बहुत इजीली ट्रिक मैंने डेवलप किया है और आप इसे याद रख सकते हैं कि जब भी वेस्ट से, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, जब पश्चिम से पूरब की तरफ आप ये इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हैं, तब एक दिन का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि सपोज डेट कि आप मंडे में हो और मंडे के बाद आप इस लाइन को क्रॉस किए तो वहां पे पहुंचेंगे तो सैटरडे ही होगा, संडे ही होगा, सॉरी संडे ही होगा, मतलब कि एक दिन का फायदा हो गया। फिर से देखिए, जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्रॉस करेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन को, है ना, डेट लाइन को, तो उस एक दिन का आपको फायदा हो जाएगा। मतलब अगर आप वेस्ट में मंडे में हैं, यहाँ मंडे हो रहा है, अगर इस इंटरनेशनल डेट लाइन को आप क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे संडे ही होगा, तो एक दिन का फायदा हो गया, तो प्रॉफिट होता है। फिर अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ आप जाएंगे तो एक दिन का लॉस हो जाएगा, है ना। तो आप समझ गए, मतलब ईस्ट में अगर सपोज डेट की मंडे है, अगर आप वेस्ट में क्रॉस करके डेट लाइन वेस्ट की तरफ आए तो इसका मतलब है कि वहां पे संडे ही है, एक दिन का आपका घाटा हो गया, लॉस हो गया। तो इस तरीके से याद रखना है कि पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं तो एक दिन का फायदा होता है, और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं तो एक दिन का लॉस होता है। तो इस तरीके से सभी बच्चे इंटरनेशनल डेट लाइन को अपने फेयर कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे और अच्छी तरीके से समझ लेंगे। थैंक यू।